चलिए दोस्तों, लेके आया हूँ आपके लिए एक जबरदस्त इंटरेस्टिंग वीडियो। महीने का एंड है और इस मंथ भी काफी स्मार्टफोन लॉन्च हुए हैं, और वीडियो का थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ और नेक्स्ट मंथ कौन कौन से स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं। आज की इस वीडियो में मैं रिवील करने वाला हूँ ये जो स्मार्टफोन है, प्रेडिक्शंस है, करेक्ट हो नहीं हो कह नहीं सकता, लेकिन नेक्स्ट मंथ आने वाले हैं काफी स्मार्टफोन और कुछ उनमें से इंटरेस्टिंग भी है स्मार्टफोन। और अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं तो गेमिंग स्मार्टफोन भी आ रहा है और वो डेट बताऊंगा वीडियो में, पूरा बताऊंगा आपको क्या है कहानी गेमिंग स्मार्टफोन की, पूरा डिटेल में है वीडियो, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आगे बात करूंगा इस वीडियो में, आगे बात करूंगा गेमिंग फोन की भी। और इस मंथ भी काफी स्मार्टफोन लॉन्च हुए हैं, मार्च का महीना है, काफी क्रेजी रहा है और कमाल का रहा है। और वन प्लस ने भी काफी फोन लॉन्च किए हैं और वन प्लस की पूरी सीरीज लॉन्च की है, और वो वीडियो मैंने अभी तक बनाया नहीं है, लेकिन अब जितने भी मोबाइल लॉन्च होने वाले हैं या होंगे सभी के वीडियो आपको चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। दोस्तों मेरा नाम अनुराग, आप देख रहे हैं ट्राईटेक यूट्यूब चैनल। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं रियलमी के, रियलमी जीटी के बारे में। रियलमी जीटी लॉन्च होने वाला है नेक्स्ट मंथ अप्रैल में, अप्रैल फर्स्ट वीक या अप्रैल के मिड में लॉन्च हो जाएगा। और एक और फोन है जो लॉन्च होने वाला है, रियलमी लॉन्च होने वाला है, लेकिन वो इंडिया में नहीं होगा दोस्तों, वो होने वाला है लॉन्च चाइना में, जिसका नाम है रियलमी जीटी नियो। ये भी लॉन्च होने वाला है, इंडिया में आएगा जरूर, वीडियो बनाऊंगा मैं इसकी। और आप बताइए मुझे कि Realme GT पे भी क्या आपको वीडियो देखनी है, तो कमेंट बॉक्स में जाके बताइए Realme GT का भी, आप अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं। 31 मार्च को लॉन्च होने वाला है Realme GT Neo। दोस्तों बात करें Realme GT Neo के स्पेसिफिकेशन के बारे में, यहाँ में मिलता है न्यू प्रोसेसर। डायमेंसिटी की बात करूं तो इसमें नया प्रोसेसर आया है, डायमेंसिटी 1200 प्रोसेसर इसमें आता है। 5G फोन है और चाइना में लॉन्च होने वाला है 31 मार्च को। इंडिया में भी लॉन्च होएगा, जैसे ही लॉन्च होता है अप्रैल एंड के अंदर ये इंडिया में भी लॉन्च हो जाएगा, तब मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा, आप देखिएगा जरूर। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वीवो की सीरीज के बारे में बात करते हैं। और वीवो की V20 सीरीज काफी पॉपुलर है और वी सीरीज में बहुत ही फ्लैगशिप शानदार फोन है और आने वाले 5G फोन होने वाले हैं सर, और ये अराउंड मिड अप्रैल के अंदर लॉन्च होने वाले हैं और ऐसा कहा जा रहा है दोस्तों, डेट्स के बारे में अभी कोई कंफर्म नहीं है। दोस्तों तो Vivo की V21 सीरीज के बारे में कहा जा रहा है कि अभी डेट्स कंफर्म नहीं किए हैं कंपनी ने। दोस्तों आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं Samsung के स्मार्टफोन के बारे में। Samsung के भी बहुत सारे स्मार्टफोन अप्रैल के मंथ में लॉन्च होने वाले हैं। और हाँ दोस्तों, अभी रिसेंटली भी एक स्मार्टफोन आ रहा है Samsung का, Samsung S20 FE5। तो 5G होने वाला है और इसमें प्रोसेसर जो दिया गया है वो Qualcomm Snapdragon का प्रोसेसर है दोस्तों। और ये हाँ रिसेंटली 20th of 9 March या फिर 30th of March, इन दोनों ही डेट में लॉन्च होने वाला है, मतलब रिसेंटली ही लॉन्च होने वाला है। और नेक्स्ट मंथ की बात करूं तो यहां में मिलने वाले हैं M सीरीज या F सीरीज के फोन। दोस्तों प्रेडिक्शन है, या तो हो सकता है M62 या फिर M52, नहीं तो फिर दोस्तों आपको F में भी मिल सकता है, F सीरीज में F62 या F42 होगा, पता नहीं है दोस्तों। लेकिन अप्रैल के मंथ में आने वाले हैं ये कुछ इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन की सीरीज। और आई डोंट नो दोस्तों, Samsung भी ला रहा है बहुत सारे स्मार्टफोन नेक्स्ट मंथ। तो चलिए दोस्तों अब आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं ओप्पो की। ओप्पो की तरफ से लॉन्च हो चुका है F19 सीरीज, जो कि आ ही चुकी है दोस्तों और नेक्स्ट मंथ आने वाली है, मे बी मार्च, इस मार्च में भी हो सकता है लास्ट है मार्च का, या फिर अप्रैल फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक के अप्रोक्स आएगा। ओप्पो की फाइंड X3 सीरीज आने वाली है दोस्तों, और अराउंड अप्रैल के फर्स्ट एंड सेकंड वीक में ये डेफिनेटली आ ही जाएगा दोस्तों। कंफर्मेशन अभी तक नहीं है, प्रिडिक्शन है दोस्तों, लेकिन मे बी कंफर्म हो ही जाएगा फर्स्ट या सेकंड वीक में, यानी अप्रैल के फर्स्ट हाफ में आपको देखने को मिलेगा। और यार ये दोस्तों इसमें मिलेगा हमें 888 प्रोसेसर, जो कि दोस्तों प्रो होगा
और ये उसका बेस वेरिएंट होगा दोस्तों। फोन होने वाला है, फ्लैगशिप फोन होने वाला है, कैमरा लाजवाब, एकदम शानदार, नाइस। और आई एम लुकिंग फॉर फॉरवर्ड दिस दोस्तों, फाइंड एक्स 3 सीरीज इज डेफिनेटली नाइस, आई एम वेटिंग फॉर दिस। तो दोस्तों अब नेक्स्ट वन की तरफ चलते हैं, बात करते हैं Xiaomi की। Xiaomi लॉन्च करने वाला है, उसने भी अनाउंसमेंट तो कर ही दिए दोस्तों। 29 मार्च को आपको ग्लोबल इवेंट में देखने को मिलेगा, शायद उसी टाइम लॉन्च करेगा Xiaomi, इंडिया में भी आ जाए उसी टाइम दोस्तों, क्योंकि सेल में आने वाला है। Xiaomi के जो भी स्मार्टफोन्स हैं वो सेल में ही रहते हैं, आपने भी देखा है मिलना बहुत मुश्किल रहता है दोस्तों सेल में, क्योंकि काफ़ी ऑडियंस रहती है सेल के टाइम। तो शायद मे बी हफ्ते 10 दिन में आ ही जाए, इंडिया में भी आ जाए, अप्रैल में आप देख पाएंगे दोस्तों और खरीद भी पाएंगे। याद रखिए दोस्तों Xiaomi भी ला रहा है, 3-4 फोन ला रहा है और फ्लैगशिप फोन होंगे दोनों। अनाउंसमेंट मैं कर देता हूँ, प्रिडिक्शन है दोस्तों Mi 11, Mi 11 अल्ट्रा, Mi 11 प्रो एंड Mi 11 लाइट। दोस्तों Mi 11 प्रो का तो कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन अभी तक कोई पता भी, मुझे भी कुछ पता नहीं चला, मैंने जो रिसर्च किया पता नहीं, लेकिन दोस्तों कंफर्मेशन है Mi 11 अल्ट्रा और Mi 11 लाइट डेफिनेटली आ रहे हैं और आपके लिए शानदार फोन होंगे और आपको ये इंडिया में भी नेक्स्ट मंथ देखने को मिलेंगे और आप खरीद भी सकते हैं। और मैं इसके लिए 100% श्योर हूँ दोस्तों ये आ रहे हैं नेक्स्ट मंथ। दोस्तों इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, अगर आप वीडियो को एक लाइक कर दें तो थोड़ा मोटिवेट होता हूँ मैं भी। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, हम इसी तरह की इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, सारा काम बहुत टाइम लगता है, रिसर्च से लेकर आपके लिए मैं जो भी आपके लिए लाता हूँ पूरा एनालिसिस करके एकदम परफेक्ट एक्यूरेट चीज़ आपको प्रोवाइड करता हूँ, जिससे कि आप एक अच्छा मोबाइल खरीद कर हैप्पी रह सके, क्योंकि काफ़ी लोगों के डाउट्स रहते हैं मोबाइल खरीदने के बाद, इसलिए मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद ये वीडियो बनाई और बता रहा हूँ आपको ये मोबाइल आने वाले हैं नेक्स्ट मंथ और आपको बहुत बजट में भी कुछ फ़ोन आपको मिलेंगे। तो आप खरीदना चाह रहे हैं, आपके पास फ़ोन नहीं है या आप फोन अपग्रेड करना चाह रहे हैं तो नेक्स्ट मंथ वेटिंग कीजिए। दोस्तों मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि आपको बताऊंगा गेमिंग स्मार्टफोन की कहानी, और वो गेमिंग स्मार्टफोन कौन सा है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और मैं बता देता हूँ आपको वो फोन कौन सा है, वो दोस्तों Asus का ROG 5 है। और Asus ने लॉन्च कर दिया अपना गेमिंग स्मार्टफोन और इंडिया फर्स्ट गेमिंग फ्लैगशिप स्मार्टफोन है दोस्तों, और ये लॉन्च होने वाला है 15 ऑफ अप्रैल को फ्लिपकार्ट पर, इसकी एक्सक्लूसिव सेल है 12 बजे, तो जाके जरूर देखिएगा। मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और इसमें कंपनी ने दो वेरिएंट दिए हैं, 8GB प्लस 128GB जो इसका बेस वेरिएंट है, इसकी कॉस्ट है 49999, मतलब 50,000 अप्रोक्स आपको ये मोबाइल मिल जाएगा। और जो दूसरा वेरिएंट है 12GB प्लस 256GB जिसकी कॉस्ट है 57,999। दोस्तों दोनों ही फ़ोन अल्टीमेट फ़ोन है, और अगर आप एक गेमिंग यूजर है और आपको गेमिंग फ़ोन पसंद है और आप सोच रहे हैं गेमिंग फ़ोन लेने की, तो आप इस फ़ोन को ज़रूर ले सकते हैं। इसमें आपको मिलता है 144Hz की डिस्प्ले जो कि एमोलेड आती है दोस्तों, हाइपर फास्ट डिस्प्ले है, तो आप ये फ़ोन ले सकते हैं और फ्लैगशिप फ़ोन है इंडिया फर्स्ट, तो गेमिंग यूजर्स हैं तो डेफिनेटली आपको ये बाय करना चाहिए। तो सो इसकी बैटरी की बात करूँ तो इसमें मिलती है 6000mAh की स्प्लिट बैटरी जो कि डिज़ाइन की गई है गेमिंग के अकॉर्डिंग, तो बहुत अच्छी बैटरी बैकअप आपको मिल जाती है वैसे, लेकिन अगर अपन गेमिंग करते हैं तो बैटरी ज़्यादा कंज्यूम होती है, लेकिन यहाँ बैटरी बैकअप काफ़ी सफिशियंट दिया, 6000mAh सफिशियंट है एक गेमिंग फ़ोन के लिए। और यहाँ पर हमें ट्रिगर्स भी मिलेंगे इस फ़ोन में दोस्तों, एक नई चीज़ जो आपको बता दूँ, गेमिंग कर रहे हो तो ट्रिगर्स की ज़रूरत रहती है, और वो भी एयर ट्रिगर्स, वो भी आपको इस फ़ोन में मिलेंगे। और फ्रंट फायरिंग 7 मैग्नेट स्टीरियो जो कि लाउड स्पीकर जो आपको साउंड के लिए आपको मिलेगा, ये भी बहुत ही अच्छा इसमें इनबिल्ट किया गया है। और 5G तो होगा ऑब्वियसली दोस्तों, आज के जनरेशन के फ़ोन सभी 5G में आ रहे हैं, तो ये फ़ोन भी 5G के साथ
आता है। चलिए दोस्तों, फिलहाल के लिए बस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं इसी तरह की न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।